सादर प्रणाम, नमस्कार, अभिनंदन, आभार, गेम शो, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम। अरे सॉरी भाई साहब, सॉरी, माफ कीजिए यार, सॉरी यार, गलती से बोल दिया। तो नमस्कार देवी और सज्जनों, भाइयों और बहनों, लड़के और लड़कियों और बेबी और उनके बाबू। देखा भाई की इज्जत। बस सारे तेरी कब से गर्लफ्रेंड बन गई, तो सारे दिन तो रील देखता रहता है। आप स्थान पे विराजमान हो जाइए थोड़ी देर। Who is this? कौन है? कौन से है? लेकिन पहला सवाल पूछने से पहले मैं आप सभी को अपने प्रतियोगी का परिचय देता हूँ। तो हमारे पहले प्रतियोगी है विकास मीणा, ये किसान पुत्र है, जो कि बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि लोगों का पेट कैफे जीवीडी या जोमेटो स्विगी नहीं, एक किसान ही भरता है। वी आर प्राउड ऑफ फार्मर्स। तो ये फलुदा से है। फलुदा से नहीं, अलुदा से हूँ मैं। तो ये गांव अलुदा से है। हमारे दूसरे प्रतियोगी है अनिरुद्ध सिंह राजावत, ये राजस्थान जयपुर से है, एटीट्यूड से बढ़कर राजपूत। तो हमारे तीसरे प्रतियोगी है साहिब यादव, मैन ऑफ एल्विस यादव, ये बिहार से है। जियाओ बिहारी के लाला। हमारे आखिरी और चौथे कंटेस्टेंट है, आप कौन है भाई, हम भूल गए आपका नाम क्या है। अरे बोलिए भाई, भूल गए हम। अबे हाथी की लाइटिंग, मेरा एक स्टूडियो है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी, गलती से बोल दिया। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सबसे पहले खेले हम तो चलिए देवी और सज्जनों शुरू करते हैं इस अद्भुत, अविश्वसनीय और गजब के खेल को। तो ये रहा आपका पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। इन सभी मोटरसाइकिल्स को अपने खरीदने के औकात के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में लगाइए। ऑप्शन ए सीडी 100 एसएस स्क्वायर लाइट वाली, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक स्कूटी चार्ज होने वाली, ऑप्शन सी रॉयल इनफील्ड सोते हुए को जगाने वाली, और ऑप्शन डी केटीएम ऊंचे पिछवाड़े वाली। तो यहाँ पर हो चुकी है समय की समाप्ति, देखते हैं किसने सबसे पहले और सबसे सही जवाब दिया। विकास मीणा, अनिरुद्ध सिंह, तुषार सिंह, अरे साहिब जी आपने तो जवाब ही नहीं दिया। सर मेरे पास तो सर बाइक भी नहीं सर, मैं तो बहुत गरीब हूँ सर, मैं तो बहुत, और सर मेरे पास साइकिल भी एक ही टायर की है सर, एक टायर खराब है ना उसका, तो एक ही टायर की होगी। आ जाइए, आप भी बैठेंगे कुर्सी पे, ये मंच सबको बराबर मौका देता है, बेटा दे आपकी गर्मी, चलिए आइए बैठिए। हाँ तो यादव जी, कैसा लग रहा है आपको इस कुर्सी पर बैठ के? सर बहुत ही अच्छा और प्राउड फील कर रहे हैं आज तो हम। सर हम आपके बहुत बड़े वाले फैन हैं सर। अरे बहुत बहुत धन्यवाद यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर आपको पता है हमारे घर में फैन भी नहीं है। अच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि सर हम तो आपके फैन है ना सर, काश हमारी गर्लफ्रेंड आज हमारे साथ होती तो कितना खुश होती। जी हमें काफी अफसोस है कि आपकी गर्लफ्रेंड अब आपके साथ नहीं है। अबे ओए जिंदा है वो, अनिरुद्ध लेके भाग गया उसे। अच्छा अच्छा, तो आपने पकड़ा नहीं उसको? अरे सर बताया तो था एक ही टायर की साइकिल थी। ओफो। तो चलिए यादव जी इस खेल को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता ही है इस खेल में होगी चार लाइफ लाइन, ऑडियंस पोल, कॉल अ फ्रेंड, कॉल अ गर्लफ्रेंड और 20-20। अरे सर 50-50 होता है, मुझे आईपीएल ज्यादा पसंद है। तो यादव जी तैयार आप? हाँ सर बिल्कुल रेडी, बस वो थोड़ा सा नर्वस, बस जी वो थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ। क्या है नशा क्या? अरे सर नर्वस बोल रहा है। अच्छा अच्छा नर्वस है, कोई ना जी आप बढ़िया खेलेंगे। तो चलिए यादव जी आपका पहला सवाल ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। हरा भाई स्पेस, आज इतना हगेगा किसी ने सोची ना होगी, ये शब्द किस
क्रिंज छपरी द्वारा कहे गए हैं? ऑप्शन ए बवंडर, ऑप्शन बी गटर के अंदर, ऑप्शन सी जोगिंदर या ऑप्शन डी हगिंदर। अरे सर इतना इजी क्वेश्चन। सर देखिए ऑप्शन बी है गटर के अंदर, तो सर गटर के अंदर तो सभी हगने जाते हैं। हाँ पर कुछ लोग और जगह भी हगते हैं। और इतने बड़े शो में इतना इजी को ऑप्शन ये तो आएगा नहीं। और सर ऑप्शन ए है बवंडर, ये भी मैच नहीं हो रहा, तो सर आप ऑप्शन डी को लॉक कर दीजिए। सर ये श्योर है? हाँ एकदम लॉक कर दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कंप्यूटर महाशय ऑप्शन डी लॉक कर दिया जाए। अरे बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब। क्या खेल रहे हैं आप, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आप जीत चुके हैं 150 रुपए। सिर्फ 150? इतना सस्ता? देखे सस्ते सवाल और हगने वाले लोगों के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है? हाँ ये भी ठीक है। वैसे आपको क्यों लगा कि इसका ऑप्शन डी होना चाहिए? सर देखिए रजिस्टर्ड हुए ने भोका है ना, मेरा मतलब बोला है ना, वो हगेंदर ही है। लेकिन उसका नाम तो जोगिंदर है। अरे सर नाम में क्या रखा है, जो हर जगह हगता है उसको हगेंदर ही तो बोलेंगे। क्या बात है यादव जी, बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, नोरा फतेही का गाना कुसु कुसु में नोरा फतेही क्या कहना चाहती है? ऑप्शन ए वो खुश है इसलिए कुसु कुसु कर रही है, ऑप्शन बी उनको सुसु आ रहा है इसलिए वो सुसु सुसु कर रही है, ऑप्शन सी शी डोंट नो शी डोंट नो, और ऑप्शन डी जो बी है वही डी है। सर ये तो काफी मजेदार क्वेश्चन है, पहले क्यों नहीं पूछा? हाँ और जिसपे सवाल पूछा है वो भी काफी मजेदार है। सर ऑप्शन सी तो होगा नहीं क्योंकि अपने आप में एक गाना है। अच्छा सर ऑप्शन ए बी और डी बच रहे हैं। आप चाहे तो लाइफ लाइन ले सकते हैं। अरे हाँ तो कौन सी लाइफ लाइन लेना चाहेंगे आप? सर लाइफ लाइन कॉल अ फ्रेंड ले लेंगे सर। कॉल अ फ्रेंड, क्योंकि सर गर्लफ्रेंड मेरी है नहीं और ऑडियंस पे मुझे भरोसा है नहीं। कंप्यूटर महाशय यादव जी के फ्रेंड को कॉल लगाया जाए। ये लीजिए यादव जी बात कीजिए। हाँ नोरा भाई साहब, नूर सिंह यादव है, हम प्यार से नोरा बुलाते हैं घर पे। हेलो नोरा। हाँ बोलो। हाँ हम यहाँ पे केबीसी में बैठे हैं अमिताभ बच्चन जी के साथ। हेलो नोरा। हाँ बोलो। इधर हमारे सामने एक क्वेश्चन है। हाँ बताओ। कि जो कुसु नोरा फतेही का कुसु कुसु गाना है उसमें नोरा फतेही क्या कहना चाह रही है? ऑप्शन ए है वो बहुत खुश है इसलिए कुसु कुसु कर रही है, और ऑप्शन बी है उसको सुसु आई है बोलते इसलिए सुसु सुसु कर रही है, और ऑप्शन सी नहीं आएगा, और ऑप्शन डी है वही बी है। हेलो हेलो नोरा। अरे हम कभी खेलने नहीं से होगा बताइए, कभी खेलेंगे तो बताएंगे ठीक है। हट। अरे सर आप तो ऑप्शन ए को ही लॉक कर दो सर। आप चाहे तो लाइफलाइन ले सकते हैं। अरे सर मुझे कोई लाइफलाइन नहीं लेनी सर, मैं नोरा को खुश ही देखना चाहता हूँ। एकदम लॉक कर दीजिए। आप ऑप्शन ए को लॉक कर दो। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, तालियां की तालियां। अच्छा सर चेक मिलेगा या फिर कैश? अरे दोनों ही नहीं मिलेंगे। अच्छा फोन पे पेटीएम? दही खरीदने आए हो क्या, पेटीएम फोन पे करेंगे? तो पैसे मिलेंगे कैसे? किसने कहा? अरे सर क्यों मजाक कर रहे हो, आपको हंसी आ रही है? नहीं तो फिर कहाँ मजाक कर रहे हो? अरे सर दोनों क्वेश्चनों के सही आंसर तो दिए हैं तो पैसे तो लूंगा, करोड़पति सोए ये। अरे यादव जी आपको कोई गलत फहमी हुई है, इस शो का नाम है कब बनोगे करोड़पति। ये जो शो है वो जनता से पूछता है कि कब बनोगे करोड़पति। अबे क्या गुड़ गोबर बोल रहा है यार ये। अरे बक नहीं रहे हैं बता रहे हैं, अमिताभ बच्चन भाई का करोड़पति अलग है, ये अलग है। ये जो शो है वो जनता से पूछता है कब बनोगे करोड़पति। अगर आप सभी ने इस शो में आके सही सवालों के सही जवाब दे दिए तो मतलब कभी ना कभी तो आप करोड़पति बन ही जाओगे। साले बिहार से हैं, कोल्हापुर दो मर्डर याद है, उसमें मेरा कोई याद नहीं था, मैं तुझे यहीं बजा दूंगा। अरे याद हो गया सर, आप क्या कर रहे हैं? क्या हो रहा है? अमिताभ बच्चन भाई का लगे, ये तो लगे। अरे ऐसे कैसे तो लगे? हम गहने रख के आए हैं। अरे भाई देखो बाबू, ये क्या तुमको जल्द में पैसे वैसे कोई बनी है? अरे यार हम गहने रख के आए हैं। अरे नहीं नहीं छोड़ दो।
ऐसा ऐसा क्या भाई, ये अलग सो है, अमिताभ बच्चन का अलग सो है, कोई तमीजी नहीं रहोगे, आप क्या देख रहे हैं, सब्सक्राइब करो। ये टोनी कसला था हम लसरे वाजो की।